Now, properties of soil. You have listed some uses of soil. Let us perform some activities to find the characteristic of soil. मतलब आपने कुछ properties को तो already सोच के रखा हुआ है कि कुछ soils होती हैं अलग अलग तरह की. अब हम activities देखें करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि soil की क्या characteristic होती है, क्या क्या उनकी quality होती है. जैसे कि पहली है percolation rate of water in the soil. बूजो एंड पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर ईच. अब दोनों ने मार्क कर लिया, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड. ठीक है, एक ऐसा उन्होंने किया जो उनके घर का फ्लोर है और एक उन्होंने किया कच्चा रोड पे. दे फिल टू बॉटल ऑफ द सेम साइज विद वाटर. अब उन्होंने दोनों बॉटल भरी सेम साइज की पानी के साथ. They emptied the water from the bottles one each at the same time in the two squares. They observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed. On the kacha road, on the other hand, the water was absorbed. यानी कि भूजो और पहेली ने ना एक जगह एक स्क्वायर मार्क किया अपने घर पे और एक किया ऐसी रोड पे जो कच्ची है, मतलब जो मिट्टी की बनी है. अब उन्होंने पानी इक्वल लिया और उसको भरना शुरू करा, एक उन्होंने अपने घर के फ्लोर पे डाल के और एक उधर दूसरी साइड जो कच्ची रोड थी. तो उन्होंने देखा कि जो हम उनके घर का फ्लोर है ना उस पर जब वो पानी डाल रहे थे वो तो पूरा भर के, सॉरी, वो पूरा पूरा का पूरा फ्लो आउट हो गया, बाहर हो गया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ. लेकिन जो उन्होंने कच्ची रोड पे पानी डाला था वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया. तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्हें पता चला कि किस तरह से परकोलेशन रेट होता है. परकोलेशन मतलब होता है पानी नीचे पास ऑन होना. तो मिट्टी जो होगी कच्ची मिट्टी तो उस पर तो पानी पास ऑन हो जाएगा, लेकिन जो पक्की मिट्टी होगी जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती सीमेंट वगैरह, वहाँ पे पानी पास ऑन नहीं होगा. नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए. बूजो वंडर्ड वाई देयर वॉज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द टू स्क्वायर. वो हम पढ़ चुके हैं. एक्टिविटी 9.4 पे आएंगे. फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इन टू थ्री टीम्स. नेम द टीम्स ए बी एंड सी. यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल. यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप. Ensure that each team uses pipe of the same diameter. Some suggestions for obtaining such a pipe are given below. If possible, get a small tin can and cut off its bottom. If PVC pipe is available, cut it into 20 centimeter long piece and use them. At the place where you collect the soil, place the pipe about 2 centimeter deep in the ground. Pour 200 milliliter water in the pipe slowly. For measuring 200 milliliter water, you can use any empty 200 milliliter bottle. वो क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, इसमें आप टीम बना लो. तीन टीम बना ली ए बी सी. उसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि सॉइल पानी, मतलब कि पानी कितनी जल्दी सॉइल में जाता है. अब उसके लिए एक हॉलो सिलेंडर लेना है या फिर एक पाइप ले लो. और अब आप क्या करोगे, पाइप कैसे भी हो सकता है, अगर हो तो एक टिन कैन भी ले सकते हो, उसकी बॉटम काट के एक जैसे एक इसमें फिगर दिख रखी है ना, फिगर 9.5 में, आप वो यूज़ कर सकते हो. या फिर अगर आप पीवीसी पाइप यूज़ करो तो उसको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग आप पीस में काट लो. अब जहाँ पे भी आप सॉइल कलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे 2 सेंटीमीटर डीप में आप उस पाइप को डाल दोगे, मतलब रख दोगे. उसके बाद क्या लिखा है कि आप 200 मिलीलीटर पानी लेके पाइप में डालना शुरू करोगे. अब एग्जैक्ट 200 मिलीलीटर लोगे तो वो आप किसी भी बॉटल के थ्रू मेजर कर सकते हो. दूसरी चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि हर टीम सेम पानी लेगी. नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर. आपको टाइम का ध्यान रखना है जब आप पानी डालना शुरू करोगे. और जब सारा का सारा पानी चला गया नीचे ज़मीन में और पाइप को मतलब छोड़ दिया, पाइप खाली रह गया, तब आप टाइम नोट करोगे. यानी जब आपने पानी डालना शुरू करा और जब पाइप पानी में नहीं बचा, सारा का सारा नीचे अब्सॉर्ब हो गया, तब आप टाइम नोट करोगे. बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ऑल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग. ये ध्यान रखना है कि जब आप पानी डालोगे तो पानी इधर उधर ना गिरे, सिर्फ पाइप के अंदर ही जाए. कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाई यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. अब आप क्या करोगे, आप परकुलेशन का रेट को कैलकुलेट करोगे एक फार्मूला यूज़ करके जो दे रखा है. परकुलेशन रेट दैट इज़ ml पर मिनट. यानी परकुलेशन रेट क्या होता है, कितना पानी है और कितना टाइम यूज़ हो, मतलब कितना टाइम लगा है. अब अमाउंट ऑफ वाटर आप मिलीलीटर में लोगे और परकुलेशन टाइप आप मिनट में लोगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दैट फॉर द सर्टेन एग्जाम्पल मुझे 20 मिनट लगे 200 ml को परकुलेट करने में, तो
जो मेरी रेट ऑफ परकुलेशन है वो क्या होगी, 200 ml, क्योंकि मेरा पानी जो था अमाउंट वो कितना था, 200 ml था, और अपॉन परकुलेशन टाइम जो कितना था, 20 मिनट था, तो कितना आ गया, 10 ml/min. कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन इन योर सॉइल सैम्पल. अब आप अपने परकुलेशन को कैलकुलेट करोगे. कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर. अब आप दूसरों के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, तो आपकी आपको पता चले कि जहाँ पे आपने पानी डाला और जहाँ आपके दोस्तों ने डाला या दूसरी टीम ने डाला, वहाँ पे कितना डिफरेंस था परकुलेशन रेट में. ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि परकुलेशन रेट क्या है. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको परकुलेशन रेट का फॉर्मूला याद रखना है. On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight and the air above the soil seems to shimmer. जब बहुत गर्मी होती है तो जो वेपर आती है ना सॉइल में से, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस उसको भेज देती है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है ना, जो एयर होती है सॉइल के ऊपर की, वो ऐसा लगता है कि वो शिमर कर रही है या फिर चमक रही है. After heating the soil, take it out of the tube, compare it of the soil which has not been heated. Note the difference between the two. जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे, आप सॉइल को हीट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक नॉर्मल सॉइल लेनी है और एक ये हीट वाली सॉइल लेनी है, और दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट. क्या सारी की सारी मिट्टी पानी सेम लेवल पे एब्जॉर्ब करती है, वो हमें ढूंढना है. टेक अ प्लास्टिक फनल. आप एक प्लास्टिक फनल लेंगे, उसमें एक आप फिल्टर पेपर लेंगे, और क्या लेंगे, आप एक पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट भी ले सकते हैं. फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर. नाइट में दिखा रखा है, आप वो देखिए नेक्स्ट पेज पे. वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड पोर इट इन टू द फनल. अब आप 50 ग्राम सॉइल लेंगे सूखी, उसको फनल में डालेंगे. मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द सॉइल. मेजरिंग सिलेंडर में ना हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, पानी की कितना ले सकते हैं, उसको मेजर करो आपने कितना लिया, उसके बाद बूंद बूंद करके आप सॉइल के ऊपर डालो. You can use a dropper for this purpose. आप dropper भी use कर सकते हो. Do not let all the water falls at one spot. अब एक ही जगह पे मिट्टी पे सारा पानी मत गिरने दीजिए, अलग अलग जगह पे बूंद बूंद करके पानी गिराइए. अब जैसे आप पानी को डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, उसमें लिखा है कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग. आप पानी तब तक डालिए जब तक कि वो नीचे गिरना शुरू ना कर दे. सब्स्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद. मतलब जितना आपने शुरू में पानी लिया था और जितना मेजरिंग सिलेंडर में पानी आपने मतलब मेजर किया था, उसको सब्स्ट्रैक्ट कीजिए. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल. मतलब आपको क्या करना है, इसके अंदर जितना आपने मेजरिंग सिलेंडर में पानी लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने बूंद बूंद करके पानी डाला, तो आपको तब तक डालना है जब तक कि वो पानी नीचे आना शुरू कर दे. अगर अब आपको ये देखना है कि कितनी मिट्टी एब्जॉर्ब हुई है, तो जितना पानी बचा हुआ है उसको आपको माइनस करना है किसमें से, जितना पानी आपने शुरू में लिया था. अब आपको उसकी नोटबुक में रिजल्ट लिखना है, जैसे कि वेट ऑफ द सॉइल इज़ 50 ग्राम, ठीक है, आपकी सॉइल का वेट है 50 ग्राम, जो इनिशियल वॉल्यूम है वाटर की मेजरिंग सिलेंडर में, दैट इज़ आपको लिखनी है. उसके बाद फाइनल वॉल्यूम क्या है वाटर की मेजरिंग सिलेंडर में, वो लिखनी है. और आपको अगर देखना है कि कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है सॉइल में, तो आप क्या कर दोगे, इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करोगे, मतलब इनिशियल वॉल्यूम में से आप फाइनल वॉल्यूम को माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा कि कितना पानी का वेट एब्जॉर्ब किया है सॉइल ने, ठीक है. अब उसने ये बोला कि 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल्स टू 1 ग्राम. और अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हो वाटर एब्जॉर्ब, तो वो भी बहुत ईजी है. जो यू माइनस भी आपने निकाला है उसको आप डिवाइड कर दोगे 50 से और उसको इनटू कर दोगे 100 से. यानी कि आपने क्या किया, आपने यू माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100 किया, तो उससे आपको क्या पता चला कि कितना पानी ऑफ परसेंटेज कितने पानी की एब्जॉर्ब हुई. अब रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैम्पल, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट. वो कह रहा है कि यही आपको एक्टिविटी अलग अलग सॉइल सैम्पल के साथ रिपीट करनी है, और जब आप रिपीट करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. वो पूछ रहा है, डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसको डिस्कस करो और उसके बाद आप आंसर करोगे कुछ क्वेश्चन. अब देखिए, अगर हम क्ले सॉइल लेते हैं और सैंडी सॉइल लेते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा. अब आप ये देखेंगे, अगर आप अलग अलग सॉइल लेंगे तो उनकी परकुलेशन रेट अलग होगी. क्यों? क्योंकि क्ले जो है, क्ले सॉइल, वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी, और जो सैंडी सॉइल है बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करेगी,
ठीक है. तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट, विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेशन रेट. बूजो हर्ड फ्रॉम हिज नेबरहुड दैट 8 to 10 डेज आफ्टर द रेन द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वेल राइजेस. विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर इन ग्रेटर अमाउंट. उसने क्या सुना बूजो ने कि 8 से 10 दिन जब बारिश होती है उसके बाद जो पानी होता है पॉन्ड में और वेल में वो बढ़ जाता है. विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट. किस तरह की सॉइल ये अलाउ करेगी, ठीक है. उसके बाद है विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन द लीस्ट. मतलब कौन सी सॉइल में सबसे ज़्यादा पानी होगा, किस में होगा सबसे ज़्यादा पानी जो पकड़ के रखेगी, दैट इज क्ले सॉइल, येस. एंड कौन सी सॉइल बहुत कम पानी रखेगी, सैंडी सॉइल. कैन यू सजेस्ट एनी मैथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड. क्या आपको आप ऐसा मैथड बता सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी, मतलब रेन वाटर नीचे चला जाए, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और परकुलेट होकर अंडरग्राउंड पहुँच जाए. अगर हम प्लांट ज़्यादा उगाएं तो क्या होगा, फटाफट से रूट्स वगैरह उसको एब्जॉर्ब करेंगे और पानी अंडरग्राउंड चला जाएगा. तो ये एक तरीका है जिससे हम वाटर को परकुलेशन रेट बढ़ा सकते हैं. Now, soil and crops. Different types of soil are found in different parts of India. In some parts there is a clay soil, in some part there are loamy soil, where in some other part there is sandy soil. वो कह रहा है कि जितनी भी अलग अलग तरह की soils हैं इंडिया में अलग अलग parts में मिलती हैं, ठीक है. कहीं कहीं पर clay soil है, कहीं पर loamy soil है और कहीं पर sandy soil है. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. मतलब कि soil जो है इन सब चीज़ों से affect होती है. These are some important climatic factor which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. ये क्या है, ये सारे important climatic factors हैं. ये वो factors हैं जो soil profile को affect करते हैं और soil के structure में changes लाते हैं. अब कौन से factors हैं, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, ठीक है. ये सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं सॉइल की प्रोफाइल को और सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं, ठीक है. द क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन. उसने क्या बोला कि जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेटिक फैक्टर है और जो कंपोनेंट है सॉइल के, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कि वेजिटेशन कैसी होगी और क्रॉप्स किस तरह की होंगी किसी रीजन में. मतलब सॉइल पे भी बहुत डिपेंड करता है. कुछ टाइप की मतलब जो क्रॉप्स होती हैं उनको अलग तरह की सॉइल चाहिए होती है, या बहुत सारे और क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं. क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम. मतलब क्ले और लोमी दोनों सॉइल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं किसके लिए, जैसे कि गेहूं उगाने के लिए या फिर ग्राम उगाने के लिए. सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत होती है तो ये पानी को रिटेन कर, मतलब ये क्या करती हैं, ये रिटेन कर लेती हैं पानी को, ठीक है. फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल. पैडी के लिए जो सॉइल क्ले से भरी हुई हो और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो वो काफ़ी सही होती है पानी को रिटेन करने के लिए. मसूर की दाल के लिए या फिर दूसरी पल्सेस के लिए लोमी सॉइल जो पानी को ईजिली ड्रेन कर देती है वो ज़रूरत होती है. कॉटन के लिए सैंडी लोम और लोम के लिए क्या होती है, देखो कॉटन के लिए पानी जो फटाफट से ईजिली ड्रेन कर दे, इस तरह की सॉइल चाहिए होती है, जो पानी जो बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकें वो ज़रूरी होती है, ठीक है. अब जो क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट जो ग्रो करते हैं हम क्ले सॉइल में बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल. यानी कुछ क्रॉप्स को हम इसलिए ग्रो करते हैं क्ले में क्योंकि जो क्ले होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, ह्यूमस से मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है उसके अंदर. फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया. अगर आप अपने आसपास पूछें देखें तो आपको पता चलेगा किस तरह की सॉइल्स मिलती हैं और किस तरह की क्रॉप्स ग्रो होती हैं. एंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे आपको एंटर करना है डाटा, लिखना है कि किस तरह की सॉइल्स हैं और किस तरह की क्रॉप ग्रो होती हैं. विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर प्लांटिंग राइस. कौन सी ऐसी सॉइल है जो सबसे बेटर रहेगी राइस को प्लांट करने के लिए. सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन, जो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करे, जो कम क्या कहते हैं कम पानी को एब्जॉर्ब करे. नीचे एक टेबल भी दे रखी है जिसमें टाइप ऑफ सॉइल है, क्रॉप्स कौन सी ग्रो होती हैं वो दे रखा है और कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है. ये आपके इन चैप्टर के एंड होने पे देते हैं. उसके अलावा ये टेबल आपकी एक्टिविटी के लिए है.
Now, what is the difference between rate of percolation and the amount of water retained? देखो, water retained मतलब कितना पानी वो soil absorb करके रोक लेती है, और percolation होता है कि कितना पानी किसी मिट्टी से धीरे-धीरे pass हो सकता है, या फिर मिट्टी नहीं तो किसी filter से. तो अगर किसी का water retention ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब उसका percolation क्या होगा? Rate of percolation, अगर कोई बहुत ज़्यादा पानी को रोकता है, ठीक है, वो वाटर रिटेंशन कर रहा है, तो पानी भी उसमें से जल्दी से परकुलेट हो जाएगा. बुजो, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू रीड अर्लियर, गो एंड री रीड द लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर. अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. दूसरा, राइस के लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है? ऐसी मिट्टी जो रिटेन कर सके वाटर को, बहुत टाइम तक पानी को होल्ड कर सके, क्योंकि जो राइस होता है ना उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है. दूसरा, सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ परकुलेशन, जिसका परकुलेशन रेट क्या हो, लोअर हो, वो जल्दी से एकदम से वो ना करे, मतलब जाए ना, रेट ऑफ परकुलेशन उसका क्या हो, वो एकदम से पानी को जाने ना दे, वो रोक के रखे, ठीक है. तो जितना ज़्यादा पानी रिटेन करेगा उतना ही रेट ऑफ परकुलेशन उसका लो होगा उस सॉइल का. नाउ सॉइल इरोजन क्या होता है? नीचे एक है कि जितना जो ऊपर की लेयर जब उड़ जाती है, कहीं चली जाती है सॉइल के ऊपर की, तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है. द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एन इरोजन. अब ये हवा की वजह से भी हो सकता है कि ऊपर की लेयर चली गई सॉइल की, या पानी की वजह हो सकता है कि बहते हुए पानी के साथ ऊपर की लेयर चली गई. प्लांट्स रूट फॉर्मली बाइंड द सॉइल, जो प्लांट की रूट होती है ना वो सॉइल को बाइंड करके रखती है. इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम लूज, जब सॉइल नहीं होता, मतलब जब प्लांट नहीं होता ना, तो सॉइल बहुत ढीली हो जाती है और ईजिली वो इधर उधर मूव कर पाती है या मूव कर जाती है. अगर इरोजन हो जाता है तो कई बार क्या होता है, वहाँ पर कुछ प्लांट बचता ही नहीं है, जैसे कि डेजर्ट में रूट्स वगैरह नहीं होने की वजह से, प्लांट नहीं होने की वजह से वहाँ पर पूरा इरोडेड एरिया होता है, या फिर क्या होगा, आपके बेयर लैंड जो खाली लैंड होते हैं. सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड, इसलिए हमें पेड़ों का कटना और डिफॉरेस्टेशन भी बचाना चाहिए. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जब बहुत सारे एक साथ बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है. एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज, और हमें एफर्ट डालने चाहिए ताकि हम ग्रीन एरियाज, जो भी हमारे ग्रीन हरे भरे एरियाज हैं, उनको इंक्रीज करें, उनको हम बेटर कर सकें, ठीक है. तो सॉइल इरोजन होता है द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है. तो ये था चैप्टर 9 सॉइल 7th क्लास की साइंस का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और अगर आपको 7th साइंस के और चैप्टर्स देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाके 7th साइंस प्लेलिस्ट में चेक कीजिए. थैंक यू सो मच.